मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। आई होप सो दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल रात को बहुत ज़ोर से तूफान हुआ, तो तूफान ने थोड़ा डैमेज उमेज कर दिया है। मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ दोस्तों। और अभी मौसम का हाल भी इतना ठीक नहीं है। अभी अभी देख रहा हूँ ऊपर आकाश भी काला है पूरी तरह। तो शायद कुछ देर के अंदर आ जाएगा फिर से तूफान, बारिश तूफान आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कल का तूफान ने क्या किया, मेरा डैमेज किया है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए कल रात का तूफान इतना ज़ोर से आया था कि हम लोग का जो बाउंड्री का बेरा है दोनों साइड से तूफान ने गिरा दिया है। देखिए इसको मैंने एक बात से सपोर्ट दे के रखा हूँ, क्योंकि इतना ज़ोर से तूफान आया था कि पूछिए मत दोस्तों। घर के अंदर भी डर लग रहा था। और ये साइड में देखिए, ये साइड का बेरा भी गिर गया था, तो मैंने इसको उठा के रस्सी से सपोर्ट दे के बांध के रखा है दोस्तों, देखिए। और एक खूटी से बांध के रखा है, क्योंकि इतना ज़ोर से तूफान आया था तो दोस्तों ये बांस पूरी तरह से हिल गया था और ये बेरा भी गिर गया था दोस्तों। तो इसको मैं सपोर्ट के लिए ये रस्सी से बांध के रखा हूँ। ये देखिए इतना ज़ोर का तूफान आया था कि घर के अंदर भी डर लग रहा था, चाली भी हिल रहा था, घर का ऊपर का जो चाली होता वो भी हिल रहा था। और ये देखिए दोस्तों आसमान का ऊपर इतना काला होके रखा है कि कुछ देर में ही शायद बारिश और तूफान आ सकता है फिर से। और इतना ज़ोर से साउंड आ रहा है, ये देखिए गर्जन आ रहा है आसमान से, बहुत ज़ोर से फिर से आएगा ये, शायद तूफान या बारिश आ सकता है दोस्तों। मेरे अंदाजे से पूरा बाउंड्री के अंदर का नक्शा ही हुलिया ही बदल दिया है कल के तूफान ने। इतना ख़राब तूफान आया था कि दोस्तों पूरा इतना लॉस करा दिया है। ये देखिए दोस्तों पूरी तरह से ये लॉस करा दिया। अभी मैं इसको ठीक करूँगा जितना हो सके, मैं इसको अभी ठीक करूँगा, क्योंकि ड्यूटी से जाने से पहले मैं इसको थोड़ा बहुत ठीक करके निकल जाऊँगा, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलेगा। बाद में इसको ठीक करने के लिए थोड़ा बहुत इसको अभी मैं ठीक कर लूँगा, क्योंकि तूफान का दिन है दोस्तों, रात में भी हो सकता है, कोई ठीक ठिकाना नहीं। अगर नहीं ठीक करूँगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, तो इसको थोड़ा बहुत ठीक कर लेता हूँ। तो दोस्तों कल रात को इतना ज़ोर से तूफान हुआ, तो मेरा एरिया का जो ये है प्रोटेक्शन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बेरा बोलते हैं, तो इस ये दोनों साइड से पूरी तरह से डैमेज कर दिया तूफान ने। और कुछ देर के अंदर ही फिर से बारिश और तूफान आ सकता है दोस्तों, तो उससे पहले मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ दोस्तों। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और कुछ देर बाद मैं मुँह हाथ धो के फ्रेश भी हो जाऊँगा और उठने के और जल्दी से तैयार हो जाऊँगा ड्यूटी के लिए। चलिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। दोस्तों सुबह का खाना तो हो गया, अभी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ड्यूटी में जाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, लेट भी ज़्यादा हो गया। चलिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों अभी सीधे शोरूम आके पहुँचा हूँ, और ये है शोरूम का अंदर का व्यू। ये देखिए चारों तरफ, मैं आप लोगों को कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ, शोरूम का अंदर देखने में ऐसा है। वो रहा सामने मैग्नाइट, गाड़ियों का स्टॉक लगा है सामने की ओर। ये है मैग्नाइट का बड़ा पोस्टर, ये देखिए हमारा शोरूम देखने में ऐसा है अंदर से, ये देखिए। दोस्तों अभी मैं शोरूम के बाहर में हूँ, और ये देखिए दुर्गा माता का मूर्ति लेके जा रहे दशमी में विसर्जन करने। तो ये हम लोग के यहाँ साल में एक बार होता है बासंती पूजा, जो है वो साल में आपका अप्रैल और मार्च के महीने में होता है। तो हम लोग ये अभी मैं देख रहा हूँ, ये शोरूम के बाहर निकल के देख रहा हूँ कि माता का मूर्ति जा रहा है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी माता का दर्शन करा दूँ। तो आप लोग भी ये देखिए कितना अच्छे से लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने साउंड को म्यूट करके इसलिए रखा
क्योंकि इतना सारा शोर शराबा हो रहा है तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा मेरी बातों का। तो दोस्तों इसलिए मैंने साउंड को म्यूट करके रख दिया और आप लोगों को मैं जो बोलूँगा आप लोग आराम से इजीली सुन सको, इसलिए मैंने साउंड को म्यूट किया। और आप लोग भी देखिए, इंजॉय कीजिए माता का मूर्ति कितने अच्छे से लोग विसर्जन करने लेके जा रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, बच्चे लोग और बड़े लोग भी बहुत इंजॉय करते हुए नाचते हुए मूर्ति को विसर्जन करने लेके जा रहे हैं छोटे से मैजिक ट्रक में। और मैजिक ट्रक में आपका कितने सारे बॉक्स लगाकर नाचते हुए जा रहे हैं ये देखिए। ये हर साल एक बार पूजा होता है, साल में एक बार पूजा होता है, बसंती पूजा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। तो ये तीन दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आज तो दशमी है और ऊपर से ये बारिश ने और भी परेशान करके रख दिया है। लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं देख के भी अच्छा लग रहा है। देखिए तो ये देखिए, पूजा का प्रसाद मिला है, अभी मैं इसको खाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी ड्यूटी तो ख़त्म हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे, तो अभी निकल जाता हूँ घर के लिए, जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। तो शायद फिर से बारिश और तूफान आ सकता है, तो उससे पहले मुझे घर पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो पूरा भीग जाऊँगा। तो दोस्तों घर जाके आप लोगों से मिलता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, अभी अभी सीधे शोरूम से घर आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और आज का मौसम बहुत ख़राब है दोस्तों, थोड़ा सर्दी जुकाम लग गया है मुझे भी। तो दोस्तों फटाफट जाके अभी मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाता हूँ और रात का खाने का भी तैयारी कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आज बहुत थक गया हूँ दोस्तों और वेदर भी ठीक नहीं है। अच्छा हुआ जल्दी जल्दी घर आके पहुँच गया, क्योंकि मौसम का कोई ठीक नहीं है, कब बारिश हो जाता है कब तूफान आ जाता है। तो जल्दी से जल्दी घर आके पहुंच गया तूफान आने से पहले। तो अभी जाके जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ और रात का खाने का तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों रात का खाना पीना भी हो चुका है और अभी सीधे मैं बिस्तर में आ गया हूँ और बिस्तर के अंदर आके मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे मच्छरदानी है, क्योंकि मच्छरदानी के बाहर जाके मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारा खून चूसने वाले मच्छर बाहर घूम रहे हैं। अगर बाहर निकल के ब्लॉग शूट करने जाऊँगा तो मेरे बॉडी में जितना भी ब्लड है सब चूस लेंगे, ये इतने जहरीले मच्छर घूम रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए दोस्तों मैं इस मच्छरदानी के अंदर आके ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग में जितना हो मैंने आपको कुछ अच्छा दिखाने का कोशिश किया है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा, अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी जाके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।